टॉपिक ऑफ टोडेज डिस्कशन इज पैंक्रियाटाइटिस एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है आपकी पेंक्रियास की आपकी पेंक्राइटिक इंजाइम से ही अपनी एंजाइम्स पैंक्रियास को ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो होती हैं वो Uh, उनमें आपको ए नजर आता है ठीक है और uh, इसकी काजेज़ का क्या हो सकती है या तो आइडियोपैथिक आपका एक्यूट पेंकेटाइटिस हो सकता है गार्ल स्टोन्स की वजह से इससे आई गेट स्मैश इसका निमोनिक है uh, आइडियोपैथिक में आपका हो सकता है गार्लस्टो हो सकते हैं गार्ल स्टोन आपकी सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होती है एक्यूट पेंकेटाइटिस की एथनॉ हो सकता है ट्रामा हो सकता है आई आई फॉर आइडियोपैथिक जी फॉर गर्ल स्टोन ई से एथनॉल टी से ट्रामा एस से स्टीरोइड्स एम से मम्स ए से ऑटो इम्यून डिजीजेस दोबारा एस से स्कॉर्पियन स्टिंग एच से हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपर ट्राइग्लेसराइडीनिया अगर आपका टैग्स के लेवल अगर थाउजेंड मिलीग्राम पर डेसीटर से भी ज़्यादा हो जाए ट्राइग्लिसराइड तो उसके अंदर भी आपका एक्यूट पेंक्रटाइटिस डिवेलप हो जाता है ईआरसीपी की वजह से भी आपका एक्यूट पेंक्रटाइटिस हो जाता है और ड्रग्स में आपकी सल्फा ड्रग्स जो होती हैं या फिर एनआर जो होती हैं नॉन निकलिसाइड जो आपकी निराट्रोवाली ड्रग्स होती हैं आपकी प्रोटीन प्रोटीज इन्हेबिटर्स की वजह से भी आपको एनआर सल्फर ड्रग्स और प्रोटीज इनिबिटस के जैसे एक्यूट पेंगेटाइटिस डिवेलप हो जाता है इसकी डायग्नोसिस के दो टू ऑफ द थ्री क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाते हैं तो हम कहते हैं आपको एक्यूट पेंगेटाइटिस डिवेलप हो गया है इसमें पेशेंट को एपिगैस्ट्रम पेन होता है जो उसकी बैक तक जाता है सीरम एमाइलेज के लेवल ज्यादा हो जाते हैं या फिर लाइपेज के लेवल ज्यादा हो जाते हैं लाइपेज ज्यादा स्पेसिफिक होता है।, है लेकिन थ्री टाइम्स नॉर्मल जो लेवल होते हैं आपके लाइपेज या एमाइलेज के उसके थ्री टाइम्स से ज्यादा ज्यादा हो जाते हैं क्या आप जो भी आपकी वैल्यू नॉर्मल होती है एमाइलेज आई और लाइपेज की उसको अगर आप थ्री से मल्टीप्लाई करो अगर उससे ज्यादा आपकी थ्री टाइम्स ज्यादा वैल्यू आ रही तो फिर आपको एक्यूट अक्यूटैंकटाटस होता है लाइपेस ज्यादा स्पेसिफिक होता है और Uh, साथ आपको इमेजिंग uh, फाइंडिंग्स भी हम देखते हैं करैक्ट्रिस्टिक इमेजिंग फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है इसमें आपको सुरोसिस्ट हो सकती है जिसमें क्या होगा कि जो ग्रैनुलेशन टिश्यू से लाइंड होती है इसमें कोई एपेथीलियम नहीं होता है कॉम्प्लिकेशन में आपको सुरोसिस्ट बन सकती है पेंक्रियास के अंदर कोई एप्सिस बन सकती है नेक्रोसिस स्टार्ट हो सकती है पेंक्रियास की हेमरेज हो सकता है इन्फेक्शन हो सकती है ऑर्गन फेलियर हो सकता है एक्यूट ए आर डी एस ए एल आई शॉक रीने फेलर वाले पेशेंट्स के अंदर जो है ना एक्यूट पेंकीटाइटिस के अंदर आपको ऑर्गन फेलर भी डेवलप हो सकता है हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाता है क्योंकि प्रेसिपिटेशन ऑफ द कैल्शियम सोप होना स्टार्ट हो जाती है